हेलो, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास सेवेंथ के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके बारे में हम लोग शॉर्ट इंट्रोड्यूस एक बार हम करेंगे उसके बारे में। पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टीज, उससे क्या था, इफ यू मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर्स देन वी गेट प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंटीजर्स। यानी कोई भी दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर्स ही होगा। वो हमारा क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टीज था। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव में क्या था कि वी कैन मल्टीप्लाई टू एंड मोर देन टू नंबर इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यानी दो या दो से अधिक नंबर्स को यानी इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, थ्री इंटू फोर या फोर इंटू थ्री। देखो मैंने यहाँ पैटर्न चेंज किया, पहले 4 इंटू थ्री था, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, 4 को पहले लिया 3 को बाद में ले लिया। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 12। यानी हम इंटीजर्स को किसी भी पैटर्न में किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या कहता है, थ्री एंड मोर देन थ्री इंटीजर वी कैन मल्टीप्लाई इन एनी ग्रुप। यानी हम यहाँ पर पैटर्न कोई भी कर रहे थे, आगे पीछे हम ग्रुप यहाँ बना रहे हैं। यानी हम किसी को कोई भी ग्रुप बनाकर हम ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जैसे तीन नंबर में ले रहा हूँ ए बी इंटू सी, यहाँ भी ए इंटू बी इंटू सी, देख रहे हैं यहाँ क्लियर। अब मैं यहाँ पर मैं ग्रुप बना रहा हूँ, सपोज डैट मैंने पहले वाले में बी इंटू सी का ग्रुप बनाया, ये बाहर है, तो अब न्यू ग्रुप क्या बनेगा, ये बी और सी का बन गया तो न्यू ग्रुप क्या बन सकता है, ए इंटू सी को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, सी को मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पर अलग ग्रुप यहाँ पर अलग ग्रुप। तो क्या इसके प्रोडक्ट इक्वल होते हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले में फोर एंड फाइव का मैंने ग्रुप बना लिया, सेकेंड वाले में थ्री एंड फोर का मैं ग्रुप बना लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री इंटू फोर फाइव जा 20। ओके, नाउ वी सी हियर, थ्री फोर जा 12 इंटू फाइव, क्लियर। अब 12 थ्री जा 60 और 12 फाइव जा ऑल्सो 60, तो दोनों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी ये सही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या करता है, वी कैन मल्टीप्लाई टू एंड सॉरी थ्री एंड मोर देन थ्री इंटीजर इन एनी ग्रुप। ये कौन इस किसका स्टेटमेंट है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट है। अब लास्ट जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कह रहा था, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में दो होता है, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन और सेकेंड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी ए इंटू बी प्लस सी फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्या हो गया, ए इंटू ए माइनस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर सब्ट्रैक्शन है। अब देखो दोनों को बता, पहले फर्स्ट देख लेते हैं, जब भी हम काउंट्स को ओपन करेंगे तो जो बाहर ए है मेंबर है वो दोनों के पास जाएगा, बी के पास बी और सी के पास बी। जब ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ए बी, ए इंटू बी, प्लस का साइन है मैंने यहाँ प्लस दिया। अब ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ, पहले मैंने किससे किया था, बी के साथ, बी के साथ किया था ए बी,
और एक और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए सी। एनी डाउट? नाउ विल सी हियर। ठीक है, अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी सेकेंड वाले में भी आएगा। पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और ए इंटू सी ए सी। क्लियर? कोई डाउट? तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गया। अब आज हम कुछ न्यू पॉइंट देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। किसी भी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। यानी व्हेन होल नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो देन गिव्स जीरो। व्हेन होल नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो या इंटीजर्स मल्टीप्लाई बाय जीरो देन गिव्स जीरो। यानी ए इंटू जीरो या इक्वल टू जीरो इंटू ए। ये सीक्वेंस ऑर्डर करो, किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लीकेशन में इंटू में जीरो आ गया तो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। वो नंबर कितना बड़ा क्यों नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। या जीरो इंटू फोर करो तो भी क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? अब मान लो मैं 1846 मैं लिख दिया, जैसे इंटू जीरो कर दिया सब जीरो के बराबर हो गया। क्लियर? तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। कहीं भी उसको हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया, 124 × 48 × 0 कर दिया, इसका रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? मुझे दिख गया कि इंटू में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? जीरो। ये जीरो आ गया इंटू में, सबका वैल्यू किसके बराबर हो गया? डायरेक्ट वी कैन राइट हियर जीरो। मैंने वहाँ पर जीरो लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका क्या आया? जीरो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? यानी किसी भी इंटीजर्स में आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट वही इट्सेल्फ इंटीजर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंटीजर्स ए है, उसमें ए से मल्टीप्लाई करूँ चाहे वन में उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों कंडीशन में क्या आएगा? ए ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल 4 × 1 या 1 × 4, दोनों कंडीशन में क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 × 1 = 4 या 1 + 4। क्लियर? इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, बोलता है राइट द नेम ऑफ दिस आइडेंटिटी, तो लिखेंगे दिस आइडेंटिटी इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, -5 × 1 = 5 या -5 × 1 = -5। यानी 1 से किसी भी प्रोडक्ट इंटीजर्स में आप मल्टीप्लाई करो तो जिस इंटीजर्स में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही उसका क्या होगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे पहले में 5 से मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5 ही मिला, -5 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस क्या मिला? -5 ही मिला। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। आपने ट्राई दिस किया होगा तो 1.3 आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्लियर? अब हम यहां रखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे क्या होगा? फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ एक ही साथ, फिर एक सी ले लेता हूँ मैं, 21 × −30। फिर −12 × −11 × 10। क्लियर?
और एक और मैं ले लेता हूँ, -3 × -6 × -2 × -1। अब फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने चार क्वेश्चन मैंने लिया ए सी एफ जे। आई होप कि चार क्वेश्चन बना दूंगा तो बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब जब भी इसको मल्टीप्लाई करना हो तो प्लस माइनस पे आपको पहले ध्यान नहीं देना है, पहले हमको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन पिछले कक्षाओं में प्रीवियस क्लासों में हम लोग करते आए हैं उसे ही। जैसे अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 × -1, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3। पहले मैं सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम प्लस माइनस पे जाएंगे। मैंने आपको पिछले कक्षाओं में बताया था, पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ निगेटिव साइन काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ निगेटिव साइन इज इवन देन प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, इफ नंबर ऑफ निगेटिव साइन इज ऑड नंबर देन प्रोडक्ट विल बी निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव कितने हैं, वन ही माइनस के साइन है, माइनस साइन कितने हैं, एक ही है। एक क्या है, वन क्या है, ऑड नंबर है, यानी उसके प्रोडक्ट में आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तब कितना है चाहिए, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। -21 × -30, तो सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 0 है तो पहले हम डायरेक्ट 0 दे देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 या 3 × 2 = 6। अब निगेटिव के साइन यहाँ पर कितने हैं, तो निगेटिव साइन 1 और 2, टोटल 2 निगेटिव साइन है। 2 क्या है हमारा, इवन नंबर है। क्या हमारा, इवन नंबर। जब इवन नंबर हो जाए, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ इवन नंबर देन प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, यानी हम प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का साइन लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव का साइन लिखना कंपल्सरी होता है। पॉजिटिव का साइन आप लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, नहीं लिखा होता है यानी वो पॉजिटिव ही होता है। क्लियर। अब इसको जिसको ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कि 21 × 30 कहकर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिसको ऐसे नहीं आ रहा होगा तो 1 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। यहाँ देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट प्लेस में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0, 3 और 6, 6 × 30। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद साइन पर आएंगे। अभी आप मैं देख रहा हूँ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 12 × 11 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 × 1 = 12 का 2 1 कैरी ओवर, ठीक है। फिर 12 × 1 = 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13। और साइन क्या होगा ये मैं डिसाइड कर लेता हूँ, साइन क्या होगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ निगेटिव साइन इज 2 और 2 इज द इवन नंबर, देन प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, यानी इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। या पॉजिटिव का साइन मैं दूँ या ना दूँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। × 10, अब 10 आ गया, 10 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, केवल एक लास्ट में आप अगर 2 0 पुट कर देते हो वो उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कोई डाउट। 3 × 6 = 18, ओके। 2 × −2 × −1, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस दो में 2 नेगेटिव साइन आ रहा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। -2 ऐसे ही है, -1 ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 18 × 2 = 36 और 36 × 1 = 36।
क्लियर, कोई डाउट? यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी देखो नंबर ऑफ निगेटिव कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 इज द इवन नंबर, सो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। कोई डाउट? आई होप कि आप इस चार क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ए सी एफ और जे मैंने बता दिया, बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपके होमवर्क रहेंगे फर्स्ट वन का, ठीक है। अब हम सेकेंड वन का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, उसके बेस पर सेकेंड का नंबर क्वेश्चन आप खुद से करोगे। पहले हम सेकेंड नंबर का फर्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है A1, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, 7 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, यानी LHS इक्वल टू RHS हमको दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है, यानी दोनों साइड इक्वल है, ये हमको दिखाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे एक साथ। यहाँ पर 18, अब ये काउंट्स में है तो पहले हम काउंट्स वाले को अंदर वाले सॉल्व करते हैं। पहले बिग ब्रैकेट है उसको ऐसे ही रहने देंगे हम, 7 प्लस माइनस माइनस 3, क्लियर, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई, 8 7 जा 126, ठीक है, 8 7 जा सॉरी 18 7 जा 126, 18 7 जा 126 प्लस 18 3 जा 54, क्लियर, 18 7 जा 126 और 18 3 जा 54। अब क्या करेंगे, 7 माइनस 3 क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 तो 4 मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 4 पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों में नंबर बड़ा वाला जो है 7 है, 7 पॉजिटिव है, यानी जो भी आंसर है उस पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर हम 126 प्लस माइनस माइनस 54, क्लियर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही होता, अब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव का साइन हो गया हमारा। अब 18 7 जा 72, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4 एंड 2 और 12 माइनस 5 7, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ, दोनों साइड हमारे इक्वल आ गए, यही तो हमें दिखाना था, वेरीफाई तो यही करना था कि दोनों क्या है, ये दोनों साइड के जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर सेम ही है, सेम टू सेम। वैसे आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड आपका होमवर्क रहेगा, वो आप खुद से करोगे, ठीक है, वो आप ट्राई करोगे खुद से। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट एंड सेकेंड का A1 बताने, अच्छे से इसको लिख कर अच्छे से समझिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर
सेकंड का सेकंड आप खुद से बनाएंगे। For any integers a, what is, ठीक है, -1 into a equal to कह रहा फॉर एनी इंटीजर्स ए, माने ए के जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी ए के जगह पर आपके वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, माइनस वन, माइनस फाइव, माइनस फोर, कुछ भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज द, यानी उस इंटीजर्स पे अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा वो हमें बताना है। तो ये बात याद रखो कि माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे ए दिया गया है तो यहाँ पे ए पॉजिटिव रखेंगे, केवल ए दिया जा रहा है, कोई भी तो ए, अगर ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आंसर आएगा, माइनस वन इंटू ए इक्वल टू ए, यानी मैं यहाँ पर रखेंगे माइनस वन इंटू टू, टू अंजा टू यानी माइनस टू, माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू माइनस थ्री अंजा माइनस, क्लियर। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वन था, क्लियर। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। डिटरमाइन द इंटीजर whose product is with minus 1 is a equal to minus 22, ठीक है। अब हमको बताना है कि डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 22, वो कौन से इंटीजर्स होगा जिसके साथ माइनस वन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या आएगा, माइनस 22 आएगा। यानी हमें यहाँ पर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन हमको लाना क्या, नेगेटिव। यानी इसका मतलब कि नेगेटिव के साथ हम पॉजिटिव रखेंगे तो ही आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है और हमें नेगेटिव आंसर लाना है तो हमको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, ये तो हम जानते हैं कि 22 में 1 से मल्टीप्लाई कर 22 ही मिलेगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, तो प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है और आंसर में भी हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो कौन सा कंडीशन होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू 22, वो आंसर हमारा क्या होगा, वो इंटीजर्स क्या होगा, 22 होगा। अगर मैं बोलूँ आपसे, एक अपने तरफ से एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे मुझे चाहिए 26, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज 26, एंड ऐसे इंटीजर्स बता रहा हमको जिसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या चाहिए हमारा, 26 चाहिए, और 26 का साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव लाना है तो पॉजिटिव किस कंडीशन में आता है, तो माइनस इंटू, पहला तो माइनस हो तो फिक्स है, उसके साथ क्या आएगा, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, यानी ऑलरेडी माइनस वन है, अब हमें लाना आंसर क्या है, पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव लाने के लिए सेकेंड प्लेस पे भी हमको क्या लेना पड़ेगा,
नेगेटिव लेना पड़ेगा। डिजिट का तो कोई हमें कन्फ्यूजन ही नहीं है कि 21 में किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, लाना है क्या 26, 26 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1 × -26, ठीक है। दोनों सेम साइन हो गया, सेम साइन पर रिजल्ट क्या आता है, प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर। ऐसे ही बाकी के सेकेंड बी और सी आप खुद से ट्राई करेंगे, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दिया। इसमें यही दो कंडीशन दे सकते हैं, एक तो या तो एक ऐसे देगा नेगेटिव वाला देगा तो दूसरे वाले पॉजिटिव रखेंगे, अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव रखने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। अब मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4th का भी और 5th का भी, अब वो आपका दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4th कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 = 1। अब इसको पैटर्न को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और लाना कहाँ तक है, ऐसे लाना है हमको, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो +5 है और -5 पे जाना है, यानी ये रिवर्स में जा रहा है, ठीक है, क्या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इसका पैटर्न हमारा क्या होगा, पहला पैटर्न होगा -5 × 5 = -5, सेकेंड क्या होगा -1 × अब रिवर्स में 5 के रिवर्स क्या होगा 4, यानी -4, सेकेंड क्या होगा फिर माइनस। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो मैं एक और बता रहा हूँ, इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 + 1 = क्या आया -4 आ गया। अब इसको ऐसे लिखो -1 के बाद, अब 4 के बाद क्या आएगा -3, यानी -3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो -4 + 1 = -3, फिर -1, अब 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, यानी -2, अब पहले क्या था -3 था ना, इसमें अब क्या करो +1 कर दो तो भी क्या आएगा वही आएगा, फिर -1 × 1 यानी क्या होगा -1 होगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2 में +1 कर दो तो भी यही आएगा। नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा -1 × -1 देन वी गेट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कि -1 + 1 = 0 हो जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया 4th का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th देख ले रहे हैं, एक मैं बता रहा हूं बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, A1 26 × -48 + -48 × -36, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे पैटर्न या प्लस माइनस बीच में आ गया ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव पे जाएगा, किस पे जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव पे, प्लस माइनस आ गया तो इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 48 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो उसको बाहर करेंगे, तो -48 इधर क्या बचेगा 26 प्लस है तो प्लस, इधर क्या बचेगा -36, कौन सा प्रॉपर्टीज है तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव,
प्रॉपर्टी या लॉ, बहुत था सिनोनिम्स। देखें ये कौन सा देख रहे हो, इस ऐसा पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में। अब इसको कैलकुलेट कर दो, -48 अब 26 प्लस माइनस -36 -48 और 6 में 6 गए 0, 3 में से 2 गए 1 -1 सॉरी 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 6 में 6 गए 0, 3 में से 2 गए 1। अब दोनों में सेम साइन है तो मल्टीप्लाई होगा 480 और प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके क्वेश्चन आपको खुद से बनाने की कोशिश करने हैं, ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा। जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू। ओके, आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री स्वामीनारायण, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।